हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक साथ हैं अपनी नई वीडियो के साथ। और आज जो हमारा टॉपिक है वो अभी एक रिसेंटली केस हुआ था मेरे क्लिनिक में, तो उसी पे बेस ये टॉपिक है। और हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, अक्सर हमारे घर में होता रहता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वैसे आपने इसका नाम सुना होगा, बहुत ही होम्योपैथिक की नॉन मेडिसिन है, बट इसका यूज़ कैसे करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं जो आज बताने वाला हूँ उसको आखिरी तक देखना वीडियो को, आपको बड़ा मज़ा आएगा और जो इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलने वाली है आज वो तो अलग ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घर के बच्चे गिर गए, उनकी चोट लग गई, ब्लीडिंग नहीं हुई बट गुम चोट आ गई है, खून जमा हो गया है, दर्द बहुत है। और हमारे जैसे बड़े बूढ़े हैं घर में, उनके घोटों में बड़ा दर्द है, या फिर खून की नसें ब्लॉक हो रही हैं, उनका ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है, या फिर हाथों में नमनेस रहती है, उंगलियों में छोटे छोटे जो ऑर्गन हैं वहाँ पे वो ढंग से ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये जो समस्याएं हैं इनके लिए बस एक मेडिसिन है जो बहुत बढ़िया काम करती है। अभी रिसेंटली केस आया था मेरे पास, एक 3 साल की बच्ची बिस्तर से गिर गई थी, वो काफ़ी बार गिरी है अपने बिस्तर से, उसकी मदर हमारे यहाँ काम करती है। और तो वो अपना अपने जो बच्ची को लेके आई, वो बच्ची जो आई, जब आई मेरे पास तो आधी होश में थी और आधी वो बेहोश हो रही थी। बार बार होश में आ रही थी, थोड़ी देर खेल रही थी, फिर वो बेहोश हो रही थी, तो कॉन्शियसनेस बहुत कम थी। और वो 2 या 3 दिन बाद मेरे पास आए थे। पहले वो हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके गए, उनको दिखाया, वहाँ पर MRI CT स्कैन वगैरह हुआ, तो ब्लड में कहीं छोटा सा जो है क्या कहते हैं क्लॉट जम गया था और उसका कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो रहा था, मतलब बिगड़ रहा था। तो ऐसे केस में क्या क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है। तो इस केस में जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है जो इफेक्ट करती है वो है आर्निका। हाँ, आर्निका मोंटाना सबसे बेस्ट मेडिसिन है जो इस केस में, जिसने ये जो पूरा केस क्योर कर दिया मेरा। और वो बच्ची का होश वापसी आ गया, उसको चोट लगी थी वो भी ठीक हो गया। और एक और केस मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि एक बार पेशेंट आया था, उसको मैं पैरालिसिस अटैक आ गया था, क्योंकि ये जो पैरालिसिस है ये अभी आपके हार्ट से संबंधित है। अगर आपका BP बहुत हाई रहेगा तब आपको ब्रेन स्ट्रोक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और वहाँ पर ब्रेन हेमरेज होता है, फिर वहाँ पर ब्लीडिंग होती है, वो ब्लड वहाँ पर जमता है, उसके बाद जो ब्रेन के जिस पार्ट में ब्लड जम जाता है वहाँ पे वो पार्ट आपका काम नहीं करता। कि हमारी बॉडी जो है, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे हाथ पैर ये सब काम कर रहे हैं, तो ब्रेन के जिस पार्ट में भी ब्लड जाएगा वो अंग ढंग से काम नहीं करेगा। ऐसे केस में भी जो मतलब कि सबसे पहली मेडिसिन दिमाग में आनी चाहिए वो है आर्निका। किसी को अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या फिर हार्ट अटैक लाइक चांसेस आ गए हैं, न क्लॉट बन गए हैं हार्ट में, तो ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में भी सबसे पहली मेडिसिन आर्निका। तो आर्निका का हमारी जीवन में लाइफ सेविंग ड्रग है आर्निका। आपके नमनेस में चोट लगने पे, हाँ, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे ब्लीडिंग हो गई, मतलब खून बाहर दिख रहा है कि निकल रहा है खून, तो वहाँ पे आर्निका नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देनी है। वो आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाएगी और खून ज़्यादा निकलेगा। अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रखी है या फिर पीरियड से स्टार्ट हो रखे हैं तब भी आपको आर्निका नहीं लेनी है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा ब्लीडिंग करा देगा। आर्निका होम्योपैथी की डिसिप्लिन है। अगर आप आर्निका लेंगे तो ये होम्योपैथी की डिसिप्लिन की तरह काम करती है, ब्लड फ्लो बढ़ा देती है, खून को हल्का सा पतला करती है। तो आर्निका मोंटाना बहुत सारे कामों की एक मेडिसिन। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए आज आप, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और इसको मतलब कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप नए हैं तो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जो बने रहिए मेरे साथ, मैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।